अगर आप भी चाहते हैं एंजाइटी दूर करना तो देखना ना भूलिए ये वीडियो। हाय गाइस, नेहा हियर, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज का मेरा वीडियो, ये यूं कह लीजिए मोटिवेशनल वीडियो, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। क्या आप सब लोग जानते हैं कि एंजाइटी क्या होती है, या जो लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो कैसा फील करते हैं, या हम उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलने में कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो इस टॉपिक पे है, हाउ वी मैनेज द एंग्जाइटी। जैसे कि आप जानते हैं लॉकडाउन में घर रहते रहते, जैसे कि कुछ लोग अपनी जॉब नहीं कर रहे हैं, उन्हें जॉब से निकाल दिया गया है, या जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो इस कारण से बहुत से लोग टेंशन में आ गए हैं कि कुछ ही पल में पैनिक होना शुरू हो गए हैं। तो उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए मैंने ये वीडियो उनके लिए बनाई है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंग्जाइटी क्या है। एंग्जाइटी इज नॉट ओनली अ पैनिक अटैक, इट्स नॉट ओनली अ पैनिक अटैक बट इट फील्स लाइक स्लीपलेस नाइट, स्वेटिंग, चेस्ट पेन, मसल टेंशन, इंक्रीज हार्ट रेट, ऑल सिम्टम्स अपीयर्ड। अगर ये सारे सिम्टम्स किसी में दिखाई दें, दैट मीन्स वो एंग्जाइटी का शिकार है। पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका समाधान नहीं, अगर हम चाहें तो हम इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। इफ़ वी डिप्रेस्ड, योर बॉडी नॉट कंट्रोल योर थॉट्स, योर थॉट्स कंट्रोल योर बॉडी, योर माइंड एंड योर बॉडी रिफ्यूज टू कॉपरेट। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए फर्स्ट स्टेप तो ये है कि अगर हम डेली बेस पर एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत हद तक हम इस सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन एंडोर्फिन रिलीज होता है जो स्लीप इंड्यूस करता है और हमें रेस्ट देता है। तो इस तरह से हम एंग्जाइटी से बाहर निकल सकते हैं। और भी चीज़ें हैं जिससे हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। वॉच योर फेवरेट मूवीज़, लिसन म्यूज़िक थेरेपी, अपनी मर्जी के सॉन्ग सुनो, और जो तुम्हें स्माइल और लाफ कराएं ऐसी वीडियोज़ देखो, ऐसे कॉमेडी शोज़ देखो। प्लीज़ डोंट फोकस ऑन ब्रॉडकास्ट चैनल्स। इसकी जगह अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ एक ऑथेंटिक साइट, WHO रिकमेंडेड साइट पर जाइए, वहाँ से एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लीजिए। अदरवाइज़ अगर हम डिफरेंट डिफरेंट चैनल और डिफरेंट डिफरेंट सोशल साइट्स के टच में रहेंगे तो हम डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार होते रहेंगे। अगर हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें एक ऑथोराइज साइट्स पर वहाँ जाकर और वहाँ से हम वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कुछ वो चीज़ इसी पर ही है, बींग इन्फॉर्म्ड और बींग एंग्रोज्ड। इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है? बींग इन्फॉर्म्ड मीन्स लर्न एंड एक्सेप्ट द फैक्ट कि एक ही जगह से हमने कोई चीज़ ली है, हमने इन्फॉर्मेशन प्राप्त की है, वो मीन्स है बींग इन्फॉर्म्ड। और बींग एंग्रोज्ड, ऑब्सेस्ड एंड चैनलिंग विद डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रॉडकास्ट चैनल्स एंड एट्सेट्रा, इट डिस्टर्ब आवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, इस डिस्टर्ब अस। इफ यू आर डिप्रेस्ड और इफ यू आर प्रोन टू डिप्रेशन और स्ट्रेस, प्लीज यू रिमेंबर दैट न्यूज एंड सोशल मीडिया आर द मेन सिंक होल ऑफ डिप्रेशन। Don't be focused on news channel and social media. इनसे दूर रहिए, ये main sinkhole हैं depression के और anxiety के। और अगर कोई व्यक्ति इस situation से गुजर रहा है तो उसको ये ना कहिए कि मैं भी तुम्हारी तरह इस situation से गुजर रहा हूँ या हम भी तुम्हारी तरह इस situation से गुजर रहे हैं। We all go through this situation.
बजाय ये कहें कि मैं इस सिचुएशन से तुम्हें बाहर निकालने में हेल्प करना चाहूँगा, मैं हेल्प करना चाहता हूँ तुम्हारी, आई केयर अबाउट यू, आई वॉन्ट टू हेल्प, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वी विल गो थ्रू दिस सिचुएशन। उसे एडवाइस देने की बजाय ये कहें कि टॉक टू मी, आई एम लिसनिंग, मुझे बताओ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं बड़ी दयालुता के साथ, बिना कुछ रिवॉर्ड के एक्सपेक्टेशन के कीजिए, सिर्फ एक होप से कि वही चीज़ आपके साथ भी होगी, बिना एक्सपेक्टेशन, बिना रिवॉर्ड के आप वो चीज़ कीजिए। सो इस तरह से एक दिन तुम सुबह उठोगे और तुम्हारे कंधों से सारी वरी, सारा बोझ, सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा और तुम एंग्जाइटी फ्री हो जाओगे। तो सो गाइज, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो मोर एंड मोर। तो मिलते हैं अगली पोइट्री के साथ। धन्यवाद।